हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंटीटू बेंचमार्क के बारे में। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मोबाइल लाइक गैजेट्स ठीक है या फिर लैपटॉप या टैबलेट, तो उनका जो है बेंचमार्क से उसको जो है जज किया जाता है कि ये मोबाइल या प्रोडक्ट कैसा होगा ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। जैसे कि मान लो आप BGMI खेलते हैं टैबलेट वगैरह पे या फिर मोबाइल वगैरह पे, तो उसका जितना ज़्यादा एंटीटू स्कोर होगा उतना ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। तो ये मतलब जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं या फिर टेक यूट्यूबर वगैरह हैं, ये किस प्रकार से जो है उस बेंचमार्क को निकालते हैं, कैसे वो मतलब रिजल्ट वगैरह इनके सामने आता है। तो चलिए दोस्तों आज जो है इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप भी किसी भी नए या पुराने मोबाइल लैपटॉप या फिर टैबलेट के अंदर जो है एंटीटू बेंचमार्क की एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है आप जान सकते हैं कि उसका जो है एंटीटू बेंचमार्क कितना है। तरीका तो दोस्तों सिंपल सा ये है कि आप गूगल पर जाएं और सर्च करें कि ये मेरा मोबाइल इसका एंटीटू स्कोर कितना है, तो डायरेक्ट वो बता देगा। लेकिन दोस्तों आपको एक्चुअल बेंचमार्क स्कोर जानना है ना, तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा एंटीटू बेंचमार्क ठीक। तो दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, गूगल पे आपको एंटीटू बेंचमार्क सर्च करना होगा और उसके ऊपर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाला जो है ना आपका फर्स्ट वाला, ये एंड्रॉइड के लिए है और ये सेकंड वाला जो है आपका iOS के लिए है। तो इसके अंदर जो आपको ये वाली एप्लीकेशन और डाउनलोड 3D वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी जो है इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो सिंपली जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए दोनों ही 3D वाली और नॉर्मल वाली दोनों एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करते हैं ना, तो ये रन होने लग जाएगा और इसको सारी परमिशन वगैरह आपको देनी होती है। तो जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो ये अगर लाइट वाला सपोर्ट करेगा तो लाइट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर मान लो ये है 3D वाला रन हो जाएगा तो 3D वाला ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो देखिए डाउनलोडिंग चल रहा है अभी, तो वेट करते हैं। और इसको जो है आपको 3D वाले को भी, जैसे वो ऑन होता है तो उसको 3D वाले को भी आपको ऑन कर देना और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक जो है वही एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों ये मल्टीपल चीज़ें जो है आपके रन करेगा बैकग्राउंड के अंदर, और इसकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना वो आपको निकाल के दे देगा स्कोर्स के अंदर, उसको बोलते हैं एंटीटू स्कोर ठीक है, एंटीटू बेंचमार्क आप इसको बोल सकते हैं। ये जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस मोबाइल का माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी नया मोबाइल परचेज करें तो भी इस तरह से आप टेस्ट करके देख सकते हैं, और कोई भी पुराना मोबाइल हो तो उसका भी आप रिजल्ट इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी ये 31% हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं और आपको जो है इस मोबाइल का एंटीटू स्कोर दिखाते हैं। A few moments later, इंस्टॉल एंड टेस्ट जो है हम दबा के देख लेते हैं अब ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल किया ना, मतलब रोटेट करके उसके ऊपर जो है इंस्टॉल एनीवे करना होगा आपको, तो उसके बाद जो है इस प्रकार से स्क्रीन चलने लग जाती है 3D के अंदर जो है ये टेस्ट करता है, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो है रन करता है इसके अंदर, उसके बाद में जो है आपके सामने रिजल्ट निकाल के देगा। तो अभी जो है इसमें रन हो रही है सारी चीज़ें आप भी देख सकते हैं आपके सामने जो है चालू है। मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। अभी जो है 32% जो है इसका टेस्टिंग हो चुका है, और अभी भी जो है रैम बैंडविड्थ वगैरह और CPU और UX वगैरह जो है अभी भी चेक होने वाला है। तो एक पर जो है टिक आ गया, ये कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, चाहे ना मैं कुछ लिखा हो रहा है समझ तो आ नहीं रहा, तो ऑटोमेटिक सब। दोस्तों हमारा जो है 99% के 100% हो चुका है, एंटीटू स्कोर जो है हमारे सामने निकल करके आ चुका है। ऊपर एंटीटू बेंचमार्क रिजल्ट लिखा हुआ है, वर्जन जो है 10.3.1 लिखा गया है, वीवो T25 लिखा गया है, 452,097 का जो है एंटीटू स्कोर निकल करके आया है ठीक है। इसकी डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा हम, तो CPU थ्रोटलिंग वगैरह जो है आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, स्नैपड्रैगन 695 इसमें दिया गया है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है एंटीटू TM619 दिया गया है। ये सारा मिला के जो है सब कुछ आपको रिजल्ट 452,000 दिया गया है। एंटीटू बेंचमार्क को चेक कर सकते हैं, और ये वाली एप्लीकेशन जो लाइट वाली आपको जो है अलग से डाउनलोड करनी होगी अगर आपको मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर 3D वाली प्रॉपर सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट जो है उसको डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।